हे गाइस, गुड इवनिंग। दोस्तों यहाँ पे मेरे पेपर हो गए हैं खत्म, और यहाँ पे मेरे पेपर बहुत अच्छे गए हैं सारे के सारे, चाहे वो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, चाहे आपका ये आज कौन सा हुआ था, मैं तो भूल ही गया क्या हुआ था पेपर, डीसीएन का डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, और यहाँ पे जो और भी मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम एक और सब्जेक्ट है जो मेन सब्जेक्ट है, इनके सारे पेपर मेरे अच्छे गए हैं। और यहाँ पे रिजल्ट आना बाकी है, पता नहीं कब आएगा उसका रिजल्ट, अगले सेम में आएगा या अगले सेम से पहले आएगा। तो यार बेसिकली मैं फाइनली जा रहा हूँ अपने घर पे, और यहाँ पे मेरी ट्रेन है रात को 10:55 की थी, पर वो यार वो डिले हो गई है, शायद अब सुबह 3 बजे की हो गई है, अब कुछ ऐसा कंफर्मेशन मुझे मिल नहीं रही है, और रेलवे की वेबसाइट हमें बहुत धीमी चल रही है, बहुत वेट करवा रही है मेरे को सर्च करवाने में। देखिए आप देख भी सकते हैं, मगर आप यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये देखिए आपको ऐसे मेरे को ऐसा ऑप्शन दिखा हुआ मिल रहा है। और यार दोस्तों फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने घर पे, मेरे को यहाँ पे निकलना पड़ेगा जल्दी, क्योंकि यार यहाँ पे मेरे को बस से जाना पड़ेगा या मेरे को ऑटो से जाना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ पे रात को इतना साधन नहीं होता है यार, इतने व्हीकल नहीं मिलते हम लोगों को, क्योंकि यार ओला करेंगे तो महंगी पड़ेगी सिंगल बंदे को, अगर दो बंदे होते तो हम यहाँ पे पैसा मिला के हम दोनों चले जा सकते थे। तो यार बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बाहर का व्यू दिखाऊंगा थोड़ा देहरादून का, और यहाँ पे जैसे ही मैं रेलवे स्टेशन पहुँचूंगा तो मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बताऊंगा उसके बारे में, स्टेशन के बारे में, और यहाँ पे स्टेशन का ओवरव्यू दिखाऊंगा आपको कैसा है हमारा देहरादून का स्टेशन, और कुछ मार्केट में जो सिलेक्टिव पॉइंट है वो भी मैं आपको यहाँ पे वीडियो पे दिखाऊंगा। और दोस्तों यार यहाँ पे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ, आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जिससे कि मुझे पता लग पाए यार मैं किस बारे में वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा है मैं यहाँ पे एक सीरीज शुरू करने वाला हूँ एसईओ से रिलेटेड, जिससे आप एसईओ से अपनी वीडियो कैसे रैंक करवा सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी मैंने आप बात सोची है कि मैं यहाँ पे बताऊं पायरेसी पे, बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे सोची है यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज नीचे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं किस बारे में वीडियो बनाऊं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो यार दोस्तों लेट्स गो, चलते हैं यार। अब होगा क्या यार, मैं कैमरा देखिए मेरे पास कैमरा तो है नहीं, मेरा फोन है, तो यार फोन से मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाऊंगा, अभी तो मैं बैक कैमरे से बना रहा हूँ, लाइट भी आ रही है अच्छी खासी मेरे फेस पे, और यार ये रूम पे भी बहुत गर्मी पड़ रही है, छोड़ो। सो मैं जा रहा हूँ यार यहाँ पे घर पे, मैंने पैकिंग कर ली क्या? अरे अरे बाप रे, मेरा लैपटॉप ये पड़ा है, कपड़े आपको दिख रहे होंगे, देखिए कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं पीछे, ये मत सोचिए मैंने पैकिंग कर ली, मेरे फ्रेंड का सामान है, वो थोड़ा अपने घर गया है, वो भी उसका घर गया था तो ये यहाँ सामान छोड़ के गया है। देखिए यार मेरी पैकिंग तो नहीं हुई है, ये ऐसा सामान रखा हुआ है, सॉरी फ्रेंड। जैसी मेरी पैकिंग होती है मैं वैसे ही आपको तुरंत अपडेट करता हूँ वीडियो के साथ, और मैं यहाँ पे यार कुछ इंटरेस्टिंग जगहों में आपको लेके जाऊंगा कि कौन कौन सी मार्केट क्या है, क्या क्या चीज़ यहाँ पे होती है। तो प्लीज आप भी मेरी आज की पूरी वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपको ये चीज़ पता लग पाएगी ये देहरादून में क्या है, कुछ खास नहीं है पर क्या है मैं सबको जो होगा दिखा दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करना, नहीं आएगी तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। धन्यवाद नहीं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या है देहरादून के अंदर, तो प्लीज मेरी वीडियो को देखते रहिए, कीप इट वॉच, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारी वीडियोस की सीरीज मैं लेके आऊंगा। अब आपको यहाँ पे मेरी कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए मिलेंगी, शायद मैं यार यहाँ फोन लेने की सोच रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं कौन सा फोन लूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं यहाँ पे कौन सा फोन लूँ 30 से 32 या 40 हज़ार के बीच में, यार महंगा हो जाएगा, घर वालों से पहले बात करूँगा कौन सा फोन अच्छा रहेगा मिलने, क्या क्या प्राइस उसकी मैं पहले सोचूंगा, मुझे कैसे कम प्राइस में फोन मिल सकता है, तो मैं अभी आपको जरूर बताऊंगा, आपकी उसको अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे लाया फोन, कितने में मेरे को पड़ा, और यहाँ पे वो फोन के अंदर क्या क्या फीचर है। तो प्लीज ये वीडियो को देखते रहिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए मिलेंगी, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, आपको एसईओ से रिलेटेड, आपको पायरेसी से रिलेटेड, आपको गूगल की वाईफाई के रिलेटेड, बहुत सारी मैं यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ दोस्तों, जो नए नए ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं ना आपको इस वीडियो में या इस चैनल में आपको पक्का पक्का मिलेंगे। तो लेट्स गो दोस्तों, मैं चलता हूँ यार, पैकिंग करनी है यार, सॉरी दोस्तों यार गलती हो गई आप लोगों से, खाली आप लोगों से झूठ बोल देता हूँ मैं, सॉरी, झूठ नहीं बोला आपसे, कभी झूठ नहीं बोला। और यार जितना भी मैं बड़ा हूँ ना, लोग मेरे से कहते हैं यार तुमने पेड प्रमोशन कराया, तुमने कुछ कराया, मैं जितना बड़ा हूँ अपनी मर्जी से बढ़ाऊँ, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूज़ आते हैं चैनल में, वो मैं अपनी मर्जी से आए हैं या मतलब मैं कैसे ग्रो कराऊँ मैं जानता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताऊँगा, थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं एसईओ के थ्रू, क्या क्या उसमें पॉइंट होते हैं। सब लोग बताते हैं कि अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखिए, टैग अच्छा लिखिए, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बताते हैं
पर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप SEO के थ्रू कैसे अपना चैनल को अपग्रेड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो प्लीज मैं अपने यहाँ पे अपना ये क्या है अपना टाइपिंग शुरू करता हूँ, सॉरी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे लिए, मैं यहाँ पे आपको बाहर जाके पूरा अप टू डेट करूंगा कैसा देहरादून है, क्या है देहरादून के अंदर। तो चलता हूँ यार मैं पैकिंग करने के लिए। हे फ्रेंड्स, मैं बेसिकली निकल गया हूँ यार फाइनली अपने रूम से बाहर को, और ये है यहाँ पे बाहर का नज़ारा। मैं अपनी यहाँ पे स्ट्रीट अपनी गली पे हूँ। तो यार बेसिकली मेरे को यहाँ पे जाने का है अपने वहाँ पे, सॉरी, रेलवे स्टेशन जाने का है। तो मेरे को यहाँ से यहीं से होते हुए जाने का है। तो यार जहाँ से मैंने टिफ़िन लगाया है उनका पहले टिफ़िन दूंगा मैं, जो टिफ़िन बचे हैं मेरे पास, और बाकी फिर मैं यहाँ से वहाँ पे चले जाऊँगा रेलवे स्टेशन साइड को। और यार बेसिक मेरे को जाना है यहाँ पे ऑटो से, तो मैं यहाँ पे आपको उसका भी कुछ नज़ारा दिखाऊंगा कि ऑटो से यहाँ पे कैसे दिखता है देहरादून। तो चलिए लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपका लेफ्ट की साइड को दशहरा ग्राउंड पड़ता है। यहाँ पे शायद रामलीला होती है, यहाँ पे प्रेमनगर में जो रामलीला होती है शायद आपकी दिवाली के टाइम पे, तो यहाँ पे वो रामलीला होती है। इस एरिया के पीछे पे देख के आपको मिलेगा दशहरा ग्राउंड। तो यार यहाँ पे मैं बेसिकली, ये मेन चौक तो नहीं कहेंगे पर ये छोटा सा चौक है यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे को मुड़ना है। जो आगे आपको रेड गाड़ी दिख रही होगी वो उससे आगे, तो वहाँ से मेरे को मुड़ना है राइट को। पहले अपना टिफ़िन लूँगा जहाँ से मैं टिफ़िन लगाया हूँ, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे मेन हाईवे पे। तो मैं हाईवे का नज़ारा भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे गली से मुझे जाना पड़ा है, डर लग रहा है नीचे पे। आपको मैं फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ पर है क्या यहाँ पे, ये देखिए इतनी डरावनी यहाँ पे, वो सांप बिच्छू ना हो। पहले छोड़िए वो, इसको ऑफ में कर देता हूँ। हे फ्रेंड्स, यार मैं दूसरी गली से यहाँ पे जा रहा हूँ। अब बेसिकली अब मेन रोड आने वाली है यार, सामने पे आपको दिख रहा होगा हल्का सा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके। तो देखिए यार वहाँ पे आपको एक मेन रोड दिख रही है, देखिए उधर पे, देखिए वहाँ पे मेरे को जाने का है। वहाँ से मैं मिलूँगा लेफ्ट साइड को, जिससे कि मैं पहुँच जाऊँगा यार, कहाँ पहुँचूँगा मैं पहुँचूँगा यहाँ पे मेन चौक पे आपकी प्रेमनगर की। देखिए प्रेमनगर या यहाँ का सेंट्रल इलाका है देहरादून से कह सकते हैं आप, जो देहरादून मेन क्लॉक टावर है उसको घंटाघर से, या आप जिस साइड में कॉलेजेस है उनका बीच का मेन इलाका है या मेन पॉइंट है, जिससे कि हम वहाँ मार्केट साइड पर भी जा सकते हैं, अपने कॉलेज साइड पर भी जा सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर क्या क्या है। देखिए मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ बेसिकली मेन हाईवे पर। ये है यहाँ पे ओरिएंटल बैंक का ATM, और देखिए ये है यहाँ पे मेडिसिन शॉप है जो खादों की होती है, शायद आपको पता होगा, पैरासिटाइड्स। और ये हीरो का यहाँ पे आपको शोरूम दिखेगा, और ये बेसिकली यहाँ की मेन हाईवे है। तो यार इस पे मेरे को जाने का है, यहाँ से मैं मुड़ूंगा लेफ्ट को, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचूँगा आपका कहाँ मेन पॉइंट चौराया पे। यहाँ पे प्रेमनगर चौराया नहीं, किराया कहेंगे बेसिकली। अब चौराया मुझसे निकल ही जाता है, अरबी चौराया बोलते हैं तो किराया निकलता नहीं है। तो यार आपको अगर प्रेमनगर कभी आना हो तो आप पूछ सकते हैं कि नीचे क्या क्या कहाँ पे है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ जितना मुझे पता होगी बातें। ये देखिए यहाँ पे मेन फ्रूट्स की शॉप है, यहाँ पे फ्रूट्स मिलते हैं। पैदल जाने का है यार, बाइक वाइक तो है नहीं, कार वार है नहीं हमारे पास, तो ये देखिए आपको यार इसमें मेरे इसमें OIS का सपोर्ट नहीं है ना यार, तो यार बेसिकली मेरे में OIS का सपोर्ट नहीं है, ऑप्टिकल इमेज सेंसर, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसके रिगार्डिंग आपको फोटो यहाँ पे या वीडियो यहाँ पे आपको बहुत ऊपर नीचे हिलते हुए मिलेगी, क्योंकि मैं चल भी रहा हूँ। ये देखिए आपको एक शॉप दिखाऊंगा यहाँ पे, ये शॉप देखिए, ये श्री गणेश चाट कॉर्नर। यार ये शॉप मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये शॉप यहाँ पे बहुत फेमस है चाट के लिए प्रेमनगर की बेसिकली। हाँ बताया आपको, देखिए ये आ गया है चौराया तिराया, सॉरी, ये जोड़ता है एक इधर को जाती है, ये रोड जाती है आपकी क्या है इसका, मैं नाम भूल गया,
ठाकुरपुर, सॉरी ठाकुरपुर को जाती है, ये जाती है मेन, ये जाती है मेन प्रेम नगर चौराहे पे। ये प्रेम नगर बेसिकली मार्केट का चौराया है। और बेसिकली यार दोस्तों ये यहाँ की बहुत फेमस शॉप है, कारला स्वीट शॉप। यहाँ पे आपको हर प्रकार की स्वीट मिलेगी, हर साउथ इंडियन खाना आपको, हर उसका खाना भी मिल सकता है, जो आप खाना चाहें वो आपको यहाँ पे मिलेगा इस शॉप के अंदर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से फटाफट। तो बेसिकली यार अब मैं प्रेम नगर के मेन चौराहे पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे की साइड दो रोड जाते हैं, ऊपर से नीचे के जो तो नीचे वाली रोड है वो मेरी जाती है कॉलेज को। बेसिकली उस रोड में आपके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं आपको उस रोड को दिखाऊंगा। बेसिकली वहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेज मिलेंगे, यहाँ पे आपको मेरा देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मिलेगा, श्री देवभूमि मिलेगा, यहाँ पे आपको यूपी मिलेगी, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूपीएससी, उत्तराखंड पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, आपको बहुत सारे कॉलेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे इस रूट के अंदर। और यार यहाँ पे क्लास भी है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टार आ चुके हैं हमारे कॉलेज के अंदर। तो बेसिकली दिखाऊंगा मैं आपको, देखिए ये है यहाँ पे एक्सिस बैंक का एटीएम, ये है देखिए यहाँ पे एक रोड नीचे साइड पर गई है, ये देखिए एक साइड नीचे रोड नीचे साइड पर गई है और दूसरी ऊपर को गई है। यार देखिए ये है यहाँ पे रात का माहौल प्रेम नगर का। ये तो सर छोड़िए, ये तो वाइन शॉप है, यहाँ मेन मार्केट में खुली हुई है, इसके बारे में क्या डिस्कस करना है इस बारे में। तो कुछ यहाँ पे यार आपको सिलेक्टिव पॉइंट दिखाना चाहता हूँ, पर ये वीडियो बड़ी बन रही है मैं जानता हूँ, आप बोर भी होगे। यहाँ पे आपकी चिकन शॉप है बैंकॉक की, आप इसको देख सकते हैं, आपको दिखे तो ये देखिए दिखा आपको, आपको फाइनल टेंस मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे घंटा घर के मेन चौराहे पे। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखने पे मिलेगा ये टावर, जिसमें आपको बताया कि यहाँ पे है आपका क्लॉक लगी हुई है एक, तो यही है यहाँ पे जिसमें घंटा घर पे आपका एक क्लॉक लगा हुआ है। तो बेसिकली मैं कर रहा हूँ रोड क्रॉस, बेसिकली यहाँ पर अभी देखते हैं जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से मैंने करना है रोड क्रॉस। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं फल्टन बाजार, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, ये है क्लॉक टावर, यहाँ का क्लॉक टावर इसमें लगी हुई है घंटी, सॉरी घंटा, घंटी या घंटा घंटी, ठीक है। बेसिकली हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं आपकी फल्टन बाजार, पूरे देहरादून में सबसे बड़ी बाजार है, जहाँ पे आपको कपड़े के मामले में सबसे सस्ते यहाँ पे आपको कपड़े मिलेंगे। ठीक है, देखते रहिए मार्केट में क्या कर। यहाँ पे देखिए शॉप है, यहाँ पे गैलेक्सी वॉल्ड वाली, तो ये भी आपको हर अच्छी देखने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत फेमस शॉप है। यहाँ पे राजू की बात है, बेसिकली मार्केट बंद हो गई है यार, यहाँ पे एटीएम है, ये पूरी मार्केट दिन
मैं यहाँ पे खचा ड्रिंक की है बिल्कुल। यहाँ पे वो दिन के टाइम में जब हो पाया तो मैं यहाँ पे आपको जरूर जरूर दिखाऊंगा। वैसे रात के टाइम में भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ ही है यार, ज़्यादा भीड़ है। देखिए यहाँ पे ये लगा है अपने गोले वाला, रास्ते मैंने खाया नहीं, पता नहीं कैसा होता है, बताइएगा मुझे नीचे कमेंट में कि ये कैसा होता है गोला। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको लेडीजों के सामान की शॉप मिल जाएंगी, ये ज्वेलरी शॉप भी मिलेगी आपको, ये देखिए टाइटन का शोरूम भी है जहाँ पे आपको वॉचेस भी मिलेगी बहुत प्यारी प्यारी। फ्रेंड्स अभी तो मार्केट में इतना खास नहीं है, देखिए यहाँ पे आपको लड़की के सामान भी मिलेंगे, आपकी ड्रेसेस ये आपकी, यहाँ पे देखिए आपको चप्पलों की दुकान है लड़कियों की, सैंडल्स मिलेंगी, हील्स मिलेंगी, जो आपको लेना है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन। यार मेरे को पता लगा कि अभी अभी मेरी ट्रेन जो है वो लेट हो गई है, पहले वो थी मेरी 10:55 की, फिर हुई 11:55 की, 11:55 की, फिर यहाँ पे एक घंटा फिर डिले हुई थी 12:55 की। अब फाइनली मेरी ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो गई है यहाँ पे, मेरी ट्रेन हो गई है मेरी सुबह 3 बजे की। अब मेरे को यहाँ सुबह 3 बजे रुकना पड़ेगा, बहुत कब जाके मैं यहाँ पे ट्रेन पे बैठ जाऊँगा पता नहीं यार, यहाँ पे मेरी ट्रेन क्यों लेट हो रखी है उसके बारे में मुझे पता रहेगा। दोस्तों बेसिकली ये है रेलवे स्टेशन, वो है आपका टिकट काउंटर, वो है आपका टिकट काउंटर। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए टिकट काउंटर जो मैंने पहले दिखाया था वो है आपका जर्नल का, मतलब आप ऑन द स्पॉट आपको टिकट दे सकते हैं अगर आपको जर्नल में ट्रैवल करना है। और आपका जो टिकट मेन टिकट काउंटर है जहाँ से आप नॉर्मल टिकट खरीदते हैं वो वाला है, आपको सॉरी पूछते हैं यार यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे ट्रैफिक है इसमें, तो मैं आपको एक बार अच्छे से दिखाता हूँ वो कहाँ पे है। जो आप स्लीपर या एसी इसका भी टिकट आप खरीद सकते हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे लेगा आपको, मैं आपको दिखाऊंगा वो है, देखिए आपको दिख रहा होगा आपको ना वो है। अब मैं फाइनली आपका रेलवे स्टेशन में एंट्री करने जा रहा हूँ, यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन में एंट्री कर सकता हूँ। आपका ये है देखिए रेलवे स्टेशन में एंट्री करने वाली लेडी, यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ रेलवे स्टेशन में। यहाँ पे इंक्वायरी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछताछ देखिए आपको दिख रहा होगा सर। मेरी ट्रेन सुबह 3 बजे की है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा, देखिए आपको दिख रहा होगा कारोबार रेस्टोरेंट सुबह 3 बजे। ठीक है, ये लगी है आपकी, मैं जैसे कि फाइनली पहुँच गया हूँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन। मेरी मैक्सिमम जो चांसेस है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लगती है मेरी ट्रेन, ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, ये गोरखपुर को जाने वाली ट्रेन है देहरादून से। यार गोरखपुर तो देहरादून शायद इसमें देखता हूँ बेसिकली यार क्या है यहाँ का सीन क्या है, इसके स्लीपर का टिकट है जो किया गया है यार, यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। मेरा ट्रेन मेरे को जाना है काठमांडू नैनीताल, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ट्रेन कब है, तब तक मैं यहाँ पे वेट करता हूँ यार। ठीक है, यही सब था यार आज की वीडियो में, मैंने आपको दिखाया कि कौन सा ट्रेन कहाँ पे लगा हुआ है, मैं पहुँच गया था यहाँ पे। अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा प्लीज़, आज का लाइक का टारगेट है 100 लाइक, आप उसको अचीव करिए जिससे कि मैं थोड़ा और मोटिवेट हो सकूँ और यहाँ पे और अच्छी वीडियो अपने यहाँ पे दे सकूँ। सर
बस यही सब था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर रेड कलर का बटन है उसको दबा दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और हाँ, आप चाहते हैं कि मैं अच्छी वीडियो लेके आऊँ और, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं और मोटिवेट हो पाऊँ। धन्यवाद।